था कितना किया था, 3 किया था कितना, 2 किए थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, आपको बताना विच ऑफ द क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन हम जीएसए में पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमैटिक एंटी एरोमैटिक नॉन एरोमैटिक। या पूरा 5 क्वेश्चन को समझ के बताइए। हाँ चलिए, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन तो लिख लिया ना। यस सर। चलिए, तो मैंने कहा था कि एरोमेटिक की कंडीशंस क्या है। वो ये है कि भाई साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, पहले बताइए नेगेटिव चार्ज तो डिलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा।
हाँ या ना जल्दी बताइए। यस यस। तो इसका मतलब ये सब sp2 है, साइक्लिक प्लेनर है, और जब साइक्लिक प्लेनर है तो सब कुछ है यहाँ पर। आप बताइए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये भी रेजोनेंस में टेक पा रहा है, तो दो दो चार, और फोर पाई इलेक्ट्रॉन जो पहचान है वो एंटी एरोमेटिक की है। हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। तो ये आपको, किसी को डाउट है इसमें जो पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में? आप बताइए एग्जाम्पल टू तो देखते ही बताइए कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, नॉन एरोमेटिक। चूंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। समझा कि नहीं? साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है कि तमाम का एटम sp2। बताइए एक वन और टू एग्जांपल में किसी को डाउट है? अब आइए एग्जांपल थर्ड में देखिए, सारा एटम तो sp2 है, एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वेरी गुड। अब आइए, लेकिन पॉजिटिव है तो चलिए रेजोनेंस तो है, लेकिन फोर पाई इलेक्ट्रॉन है तो इट इज एंटी एरोमेटिक। बताइए सबको समझ में आया? अर्पित, महराज, रमा, सांची, सूरज, याशिका, जैन जो पिछली क्लास में थे, आ रहा है सबको समझ में? यस सर। यस सर। अब आइए, तो एक भी तो आप लोग बताइए ना, फोर एग्जांपल क्या होगा? फोर्थ एग्जांपल क्या होगा बताइए? बताइए। ये डी लोकलाइज होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक हो गया। गुड इवनिंग सर। सर आपने क्या क्या करवा दिया आज? एक थ्योरी करा, जो क्वेश्चंस हो रहा है यही है, पहला स्लाइड है, क्वेश्चंस है। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जीओसी। अब बताएं ये कौन सा कंपाउंड होगा, बताएं सारे लोग। हेलो, रोशनी आई है? रोशनी, यस सर। अब किस नाम से ज्वाइन किया है? सर मेरे भाई के नाम। आदित्य प्रकाश, फिफ्थ ए, फिफ्थ ए में है वो। अच्छा चलिए, हाँ तो सारे लोग बताएं ना ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, कौन है कोई एक भी? तो पहले हाइब्रिडाइजेशन को देखें, बताइए इसमें ये एटम कौन सा हाइब्रिडाइज है, बताइए जल्दी से। sp3, तो sp3 देखते ही कहेंगे नॉन एरोमेटिक है। बोलिए हाँ या ना। यस। अब आइए एग्जाम्पल सिक्स,
मतलब विच इज एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक चलिए लिख लिया क्वेश्चन सारे लोगों ने yes, sir. चलिए एग्जांपल सिक्स के बारे में कमेंट करें सारे लोग एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कोई बोल ही नहीं रहा भाई मेराज क्यों चुप हो आयु अर्पित नोहा रोशनी सांची सूरत याशिका हाँ बताएं एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन थी बताइए सारा आइटम एसपी टू है हाँ या ना जल्दी बताएं यस सर तो बताएं ना भाई सारा आइटम एसपी टू है रेजोनेंस भी है आप बताइए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व थ्री है थ्री पाई इलेक्ट्रॉन होता है थ्री बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है ना दो दो yes. चार दो छह सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिक्स कौन सा नंबर है हकल नंबर है हकल रूल्स को फॉलो किया एरोमेटिक याद है ना रिंग के अंदर टू अच्छा हाँ हाँ तो मैसेज कर दिया करें ना मैसेज से आंसर दें कोई बात नहीं टेन तो ये हक है ये क्या होगा एरोमेटिक हो जाएगा सबको समझ में आया एग्जांपल सिक्स यस सर चलिए इसमें कितने ये भी ए डबल बॉन्ड भी ये तो डीलोकलाइज है जब डीलोकलाइज है तो ये भी एटम एसपी टू है कल बताया था डबल बॉन्ड वाला तो एसपी टू होता है चलिए इसमें हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व नहीं बोलेंगे आप लोग हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेजोनेंस याशिका अर्पित बताएं तो नोहा मेरा हाँ एट दो दो चार दो छह देखिए ये भी रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है तो एट बोलेंगे वेरी गुड अब एट कौन सा नंबर है हकल्स नंबर है कि एंटी एरोमेटिक का नंबर है ये जल्दी बोलें तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया अरे बोलिए ना एंटी एरोमेटिक में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फोर एट ट्वेल्व चार चार का चार चार ऐड करते जाइए बोलिए आया समझ में यस सर चलिए एग्जांपल एट बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ना कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ये ऑर्गेनिक है पढ़ के नहीं आएंगे नहीं समझ में आएगा ये याद रख लीजिए तो फिजिकल नहीं है कि रिलेट टॉपिक सब है
यहाँ भी रिलेटेड टॉपिक है, कुछ देर के बाद फिर नया टॉपिक आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में जब तक पढ़ के नहीं आइएगा तो कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली आप ही का नुकसान है। चलिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड हैं, सब तो sp2 है ये। पहले तो ये बताइए कि ये लोन पे लोकलाइज्ड होगा कि डीलोकलाइज्ड होगा, सारे लोग बताइए। कल मैंने बस समझाया भी था इसको, जल्दी बताइए। ये लोकलाइज्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि लोन पे डायरेक्टली डबल बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिंग पे है तो लोकलाइज्ड, इसका मतलब रेजोनेंस में टेक बार नहीं किया तो दो दो चार दो छह सिक्स पर ये पायराडीन है, पायराडीन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक हो गया। बताइए एग्जाम्पल नाइन बताइए। हाँ तो इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड हैं, सब sp2 है, एवरी एटम इज sp2, यहाँ एक लोन पेयर क्या होगा लोकलाइज्ड और एक लोन पेयर क्या होगा डीलोकलाइज्ड, एक से ज्यादा लोन पेयर होता है तो एक ही डीलोकलाइज्ड होता है, याद रखिएगा। तो बताइए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड, अरे ये रोशनी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये पढ़ के नहीं आई है क्या? Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे, आंसर दीजिए ना, सब बैठे हैं। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, अरे ये सब बैठी क्यों रहती हैं बताएं ना, मिराज, याशिका, अच्छा अर्पित, रोशनी, साची, फोर क्यों, दो दो चार और लोन पेयर को नहीं लेंगे? yes. इतना एग्जाम्पल हो रहा है, नहीं पढ़ के आने का यही सब है, नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक थोड़ी ना समझ में आएगी, लाख कुछ भी हो जाए। यहाँ देखें, चलिए इसको बताएं सारे लोग, इसको फुरॉन कहते हैं, पढ़ाया था, और इसको कहते हैं थायोफीन, सब चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे सूरज सांची, कल का वीडियो देखा था?
यस सर। तो आंसर दें सारे लोग, तो सब देख चुके हैं तो आपको आया होगा समझ में। देखिए बताइए इसमें हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है। चलिए 11 एग्जांपल बताइए सारे लोग। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई चीज जिसको ना समझ में आ रही हो वो पूछिए, हम बता देंगे। सर जो लोकलाइज्ड वाले हैं उन्हें नहीं काउंट करते? नहीं नहीं, उसको कैसे, क्यों काउंट करेंगे? डीलोकलाइज्ड की काउंटिंग होगी ना, रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की काउंटिंग होगी, समझ रहे हैं ना, लोकलाइज्ड की काउंटिंग नहीं होगी। ओके यस सर। जो डी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में वही इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग होगी जो रेजोनेंस में टेक पार्ट किया। जैसे यहाँ लोन पेयर लोकलाइज काउंट नहीं होगा, दो दो चार दो छह, दैट्स द रीजन इट इज एरोमेटिक। यहाँ ये टेक पार्ट किया तो इसलिए दो दो चार दो छह दो आठ, एंटी एरोमेटिक। पहले तो हमेशा जब भी क्वेश्चन रहे पहले हाइब्रिडाइजेशन को चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर एक तो ऐसे भी रूल है कि ए डबल बॉन्ड बी सी पर अगर दो लोन पेयर हैं, ये डीलोकलाइज्ड एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। अगर रेजोनेंस में एक से ज्यादा लोन पेयर टेक पार्ट नहीं करते हैं, अगर एक एटम पे एक लोन पेयर के अलावा जो भी लोन पेयर हो सिर्फ एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, बाकी लोकलाइज्ड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर दो लोन पेयर है तो एक ही डीलोकलाइज्ड होगा, एक ही रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। चलिए एग्जाम्पल, और कोई डाउट है याशिका? सर जो आपने 8 वाला एग्जांपल समझाया उसमें लोकलाइज्ड वाला लोन पेयर था तो उसको कैसे एरोमेटिक? ये सर 8 वाला 8 कहां? हां 8 हां हां, तो कहां काउंट किया मैंने? लोकलाइज्ड है ना, 2 2 4 2 6 पाई को ना काउंट किया, 2 2 4 2 6 लोकलाइज्ड को कहां काउंट किया मैंने? बट जो आपने कंडीशंस लिखवाई थी उसमें लिखा था कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब लोकलाइज्ड है वो होगा तो चलेगा? हाँ तो रेजोनेंस तो हो रहा है ना, एवरी एटम sp2 या एवरी एबी sp2 है, एक सिग्मा एक लोन पर sp2 है ना, रेजोनेंस तो है। ए ला कहाँ हैं आप, यहाँ देखिए याशिका जैन पूछ रही है ना आप? यस हाँ, यहाँ देखिए ए पहला कंडीशन बताइए, कंप्लीट ड्यूलोकलाइजेशन तो हो तो रहा है, एवरी एटम sp2 1 2 3 एवरी एटम, हाँ ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं, उससे मतलब नहीं है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, इट मींस एवरी एटम टेक पार्ट इन रेजोनेंस रिंग के, सॉरी सब sp2 है, सब sp2 है, सब sp2 है, ये भी, ये नाइट्रोजन भी sp2 है, कैसे, एक सिग्मा लोन पेयर लोकलाइज है इसलिए काउंटिंग हुई हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में भी बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज, तो मैं उस दिन भी बताया था जब रेजोनेंस पढ़ाया था, लोकलाइज लोन पेयर की काउंटिंग होती है। तो 1 2 3 एवरी एटम ऑफ सेम प्लेनर, यस सर समझ आ गया। हाँ और कुछ? चलिए तो एग्जांपल 11 बताइए सारे लोग। सर 6 नहीं, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, हम 6 उस नहीं पूछ रहे हैं, पहले आप आंसर दें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, ये पहले आंसर दीजिए। सर एरोमेटिक। जोर से बोलिए। ये आवाज नहीं आ रही तो मैसेज कर दीजिए। चलिए याशिका बताइए कौन सा है ये 11? नो हाँ नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, व्हाई? दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये sp3 है, sp3 देखते ही कहेंगे नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक एंटी को सेम प्लेन होना चाहिए, जबकि यहाँ रेजोनेंस है, हमें इसलिए पहले 8 नहीं देखना। पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, दूसरा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक के लिए यही दोनों कंडीशन रहेगी, लेकिन उसमें 4n पाई होगा, sp3 तो हो ही नहीं सकता एरोमेटिक होना, इसलिए हमेशा हाइब्रिडाइजेशन को, मैंने अभी भी बोला था, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन को चेक कीजिए एवरी एटम को, जैसे यहाँ पर है सेम प्लेन में है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, यहाँ भी सब सेम प्लेन में है, हाइब्रिडाइजेशन एवरी टू sp2,
इसलिए इसमें गलती हो सकती है, ये नहीं कहना दो दो चार छह एरोमेटिक हो गया ना, एवरी कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। तो sp3 का मतलब ये नॉन प्लेनर में है, इसलिए दैट द रीजन ये नॉन एरोमेटिक होगा। सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए आंसर दीजिए, डाउट क्लियर कीजिए। जो पढ़ के नहीं आएंगे तो उनको डाउट होता होगा, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ना होगा, ये मैं पहले बोल दिया हूँ, नहीं पढ़िएगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, एक क्लास छोड़ने पर दूसरे में आ जाएगा, पढ़ के आइए तो आपको अच्छे से आएगा, वरना नहीं। मैं पहले दो दूसरे, चलिए 12 का पार, ये रोशनी उठनी सब डिस्कशन में टेक पार्ट करें, सब लोग आंसर दें, याशिका ही आज आंसर दे रही है सही से, और नोहा, यारपीत, आयुषी, मेहराज, रोशनी, सांची, सूरज सब बैठी रहती हैं, जल्दी आंसर दें। 12 एग्जांपल होने के बाद इतना एग्जांपल दे दिया गया, क्लियर होना चाहिए। चलिए 12 बताइए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हाँ बताइए याशिका। सर एरोमेटिक। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर एरोमेटिक? कॉन्फिडेंस लाइए, सर इट इज एरोमेटिक, ऐसे बोलिए, दोबारा बोलिए आप अच्छे से कॉन्फिडेंस में, सर इट इज एरोमेटिक। या वेरी गुड, बिकॉज देखिए पहली बात sp2 है, सब है कि नहीं याशिका, बोलिए, बाकी कोई नहीं बोले अब हम उसको दोबारा बोलेंगे ही नहीं, चलिए मैं पागल हो जाता हूँ बोल बोल के। चलिए जो है नोहा और याशिका यही दोनों का नाम लूंगा मैं, बाकी जिसको नहीं बोलना है नहीं बोले, हटाएं, ये डीलो क्लास है, तो एवरी sp2 2 2 4 2 6 6 5 इलेक्ट्रॉन, इट इज एरोमेटिक। क्लियर है नोहा और याशिका जैन? वेरी गुड। हाँ बाकी बैठे रहे, रसगुल्ला मुंह में रखे रहे, खाते रहे आप चॉकलेट। चलिए एग्जाम्पल 13 बोलिए।
आयुषी, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड आयुषी, ये 13 का आपने बताया है ना। अच्छा सारे लोग बताएं, और लोग बताएं, याशिका एंड नोहा, बाकी लोग तो नहीं बता रहे हैं। चलिए एक बड़ी शुक्रिया आयुषी बताएं, ये 3 स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा आज के लेक्चर में। बाकी जो नहीं बता रहे हैं चुपचाप बैठे रहे घर पे। ये रोशनी क्यों नहीं बोलती है, बड़े चिल्लाती रहती थी, आज क्यों नहीं बोल रही है, ये पढ़ के आई नहीं है क्या? हाँ चलिए बताइए याशिका, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज नोहा, आप बताइए। अरे सूरत, अच्छा चलिए सारे लोग बताइए, ये पहले बताइए, ये सारे लोग बताइए, SP2 तो है ये दोनों? Yes, sir. अच्छा बताइए ये लोन, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? सारे लोग बताइए, रेजोनेंस तो पढ़ चुके हैं। हाँ बताइए याशिका, नोहा वगैरह बताइए, ये लोन, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। ए डबल बॉन्ड बी सी पर, याद है ना फॉर्मूला? बोलिए याशिका आप क्यों नहीं बोल रही है। हाँ वेरी गुड, ये भी डीलो, दोनों डीलोकलाइज। जब मैंने क्या बताया था कल के लेक्चर में कि सी पर नेगेटिव और लोन पेयर हो और ये डीलोकलाइज हो तो आंख बंद करके कहिए SP2 है। हाँ अगर नेगेटिव है और लोन पेयर है और लोकलाइज्ड है तो ये फिर SP3 हो जाएगा। सी पे प्लस SP2 होता है हमेशा, सी डबल बॉन्ड सी भी SP2 होता है कि आपका टाइम बच जाएगा काउंट करने के लिए। तो डीलोकलाइज्ड है तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 pi इलेक्ट्रॉन एरोमैटिक। क्लियर हुआ सबको? हेलो एवरीवन, यस मैं क्लास में एग्जांपल करा देता हूँ, आप उसी को पढ़ लेंगे तो अच्छा करेंगे। ये सब हाइड्रोकार्बन में है लेकिन ये चूंकि जीओसी में पढ़ाया जाता है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। चलिए एग्जांपल 14 बोलिए। अरे याशिका बोलिए ना, आपको कॉन्फिडेंस है, फिर ऐसे बोल रही है क्वेश्चन मार्क्स लगाकर, फिर से बोलिए आप। सर इट इज एरोमेटिक। यस, क्वेश्चन मार्क करके क्यों पूछती हैं? SP2 एस, यू नो हाँ आप बताइए आंसर, नोहा आयुषी एरोमेटिक, एरोमेटिक नोहा ने बोला। यस सर। ओके वेरी गुड, SP2 और सी प्लस सब SP2 है, 2 pi इलेक्ट्रॉन इज द पहचान ऑफ एरोमेटिक, रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड भी, सी पर एवरी एटम आर साइक्लिक प्लेनर। आया सबको समझ में? कि अभी भी कोई डाउट है यहाँ तक के एग्जांपल में, कोई चीज पूछनी हो पूछिए, फिर हम दूसरे तरह का क्वेश्चंस करा रहे हैं। आया समझ में एवरीवन? कोई डाउट? याशिका, नोहा, आयुषी और सूरज जिन्होंने आंसर दिया, ये 4 स्टूडेंट ने आंसर दिया, चारों को किसी को डाउट है तो बोलिए, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ पा रही हो। ओके बहुत आसान है इसलिए एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट। ओके सूरज चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 15 में आप देखिए दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो तो कभी कभी इस तरह भी आएगा, देखिएगा।
हाँ चलिए एग्जाम्पल 15 का कोई आंसर, एग्जाम्पल 15 का कोई आंसर, कोई बोल ही नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल 15 का कोई आंसर, एरोमैटिक एंटी एरोमैटिक नॉन एरोमैटिक, अरे कुछ तो हाँ या ना में बोलिए, आंसर है या नहीं है, एरोमैटिक एंटी एरोमैटिक नॉन एरोमैटिक, कैन यू हियर मी? नॉन एरोमैटिक, चलिए ठीक है आयुषी, नॉन एरोमैटिक तभी होता है जब कोई sp3 हो, आप कंफ्यूज क्यों हैं, पढ़ के नहीं आई हैं क्या? sp3 होगा तभी वो नॉन एरोमैटिक होगा, जब तमाम एटम प्लेनर है, एवरी एटम sp2 है, तो ये नॉन एरोमैटिक हो ही नहीं सकता। एक होता है एरोमैटिक, एक होता है एंटी एरोमैटिक, एक होता है नॉन एरोमैटिक, तो अगर कोई भी एक एटम sp3 आ जाए तो बाकी चीज तो देखिए ही मत, डायरेक्ट कहिए नॉन एरोमैटिक है। एरोमैटिक में साइक्लिक प्लेनर, इसमें भी साइक्लिक बने रहा, चलिए यहां देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा, गौर से देखिए। आयुषी आपका आंसर नहीं आया, याशिका जैन आपका आंसर आया? सर नॉन एरोमैटिक, नॉन एरोमैटिक। अच्छा अरे अभी मैंने वही चीज आयुषी को समझाया, इतना बनाने के बावजूद नॉन एरोमैटिक की क्या पहचान होती है जल्दी बताइए आप? सर जो sp3, क्या इसमें कोई sp3 है, एवरी एटम इज डबल बॉन्ड है, तो अब यहां ध्यान दें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है गौर से सुनिए, पहली बात ये एरोमैटिक है, मैंने कहा था रिंग के अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग के बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो ये हुआ, और इसका एक्सप्लेनेशन ना हो तो बाहर वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। दूसरा एक्सप्लेनेशन, वो ऑक्सीजन नेगेटिव है अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो पर नेगेटिव और प्लस, तो यहां 2π इलेक्ट्रॉन है इसीलिए एरोमैटिक। अब समझ में आया सबको? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। लेकिन कोई लोग जो नॉन एरोमैटिक कहते हैं इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उस वक्त से, जब भी कीजिए तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया कीजिए प्लीज एंड प्लीज। मैं 15वां एग्जाम्पल करा रहा हूँ नॉन एरोमैटिक की पहचान sp3, जब इस तमाम प्लेनर हो तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो एरोमैटिक हो सकता है या एंटी हो सकता है। बाहर वाला पाई बॉन्ड जब भी रहे तो उसको ब्रेक कीजिए, एक तो इस ये एक्सप्लेनेशन है, आपको डायरेक्ट याद रखिए भाई हमें ये बाहर से मतलब नहीं है, 2π एवरी एटम sp2 है, 2π इलेक्ट्रॉन है इसीलिए एरोमैटिक हो गया, ये एक्सप्लेन करके समझाया गया आपको। बताइए अब आपको सबको समझ में आया है या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको, चलिए लिख लिया। यस।
चलिए एग्जाम्पल 16 बना के देखिए आप, उसी कंसेप्ट पर लगाइए। पहली बात कि ये नॉन एरोमेटिक तो है नहीं, क्या ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है? नो सर। वेरी गुड। अब बताइए ये क्या हो सकता है? एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। सर हाँ बोलिए आयुषी, क्या बोल रही हैं? रोशनी बोल रही है, रोशनी पहली दफा बोली है भाई। अच्छा आयुषी भी एरोमेटिक बोल रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशंस। देखिए गौर से देखिए, पहली बात इसका जो आंसर है, अब यहाँ कार्बन और कार्बन है, प्लीज सुनेंगे अच्छे से। यहाँ तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरह खींचेगा इस। अब यहाँ पर आप रफ, पहले तो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं उसके बाद डायरेक्ट आंसर। जब कार्बन टू कार्बन रहे तो आपके पास दो सिचुएशन है, CH2 पे नेगेटिव तो कार्बन पे पॉजिटिव, CH2 पर नेगेटिव तो कार्बन पर पॉजिटिव। ये भी हो सकता है ना सर, जब दोनों कार्बन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पॉजिटिव, सॉरी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। अब देखिए हम सर किसको लेंगे, यहाँ पर एक ही केस इसलिए होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर 2π इलेक्ट्रॉन, एवरी एटम इज sp2 2π एरोमेटिक और यहाँ एंटी एरोमेटिक। तो केमिस्ट्री कहता है एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है, एरोमेटिक इज हाईली स्टेबल, हर कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, तो इसलिए ये इस तरह ब्रेक करना पसंद करेगा। तो जब कार्बन टू, अब यहां पर एक केस इसलिए यह हुआ कि ऑक्सीजन ज्यादा ही अपनी तरफ खींचेगा, जब कार्बन टू कार्बन रहे तो आप रफ में दो बनाएं और देखें अगर वो एरोमेटिक हो रहा है तो एरोमेटिक को प्रीफर करें, मतलब इसका ब्रेकिंग इस तरह होगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस हाँ, तो ये तो एक्सप्लेनेशन है, तो इट इज कैंसिल, ऐसे करेंगे तो एंटी एरोमेटिक। इसलिए एक तो मैं बाद में बताऊंगा, इधर सुनिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जानते हैं कौन? एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक। जबकि नॉन एरोमेटिक sp3 है, सेम प्लेन में नहीं है, आपको पूरा अच्छे से एंटी एरोमेटिक के बारे में हाईली अनस्टेबल हम बताएंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल 3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है एंटी बॉन्डिंग में, तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग में तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन पहले इसको याद रख लें, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसलिए इसमें इस तरह होगा। जब कार्बन टू कार्बन है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग आप उस तरह करेंगे जिस तरह स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए तो 17 का बनाइए और 18 का, आप तो आंसर आराम से दे दीजिए, दो डाउट आपका क्लियर हो गया इसी में।
एंटीरा, वेरी गुड। ये चूंकि इसमें तो एक ही होगा तो ये पॉसिबल, तो 4π इलेक्ट्रॉन है और सारा आइटम sp2 है तो ये एंटी एरोमेटिक, सबका आंसर यही आया होगा। ओके याशिका जैन, कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड। अच्छा का क्या बताया आयुषी, एंटी एरोमेटिक? यस सर। नो, आप ब्रेक इस तरह करें, नेगेटिव 6π इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर वाला सिखाया ना, दो दो दोनों तरफ से हो सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है तो एंटी एरोमेटिक हो, ऐसे जाएगा तो देखिए दो दो चार दो छे एरोमेटिक। अभी जस्ट अभी अभी जस्ट मैंने, अच्छा आप 17 का बोली है क्या है, चलिए खैर जो भी हो, दिस इज एरोमेटिक। सबको समझ में आया 18 भी एरोमेटिक है, जल्दी बताइए। यस यस, वेरी गुड। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन रोशनी बोलने के लिए, आगे बढ़ें। चलिए अब एक नया कंसेप्ट, ये तो हो गया इस तरह का कंसेप्ट, अब आइए फिर एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। एक नोट लिखिए आप सारे लोग अच्छे से, देखिए मेरे साथ साथ, हकल्स रूल जो 4n+2π था, हकल्स रूल इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग ठीक है, बट फॉर पॉलीसाइक्लिक रिंग इज अप्लाइड Only at, अभी तक जितना एग्जाम्पल था वो सिंगल रिंग था, ओनली एट पेरीफेरल, पेरीफेरल का मतलब हुआ साइड एज सर्कमफेरेंस पर। तो जब पॉलीसाइक्लिक में हकल्स रूल लगाया गया तो कुछ में सही था कुछ में गलत था, तो साइंटिस्ट ने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारा रूल को हम मॉडिफाई कर देते हैं कि भाई अप्लाइड फॉर, अभी मैं बताऊंगा, पेरिफेरल सर्कमफेरेंस पर ही अप्लाई करोगे, अंदर वाले पाई से कोई मतलब नहीं है। तो सर ये बात सिंगल रिंग में क्यों, देखिए एक मिनट सुनिए, सिंगल रिंग में तो ऑलरेडी सब साइड ए पर है ना, देखिए ये जो पाई है ये सब सर्कमफेरेंस ही पर ही है ना, पेरिफेरल ही पर है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, अरे बोलिए। यस सर, इसीलिए इसमें हम लोग नहीं, तो हकल साहब ने ये नहीं बोला था, लेकिन हकल साहब का जो स्ट्रिक्टली वैलिड है ना मोनोसाइक्लिक के लिए, लेकिन पॉलीसाइक्लिक में सतर्क होकर आंसर देना है, इसलिए असल पॉइंट ये है, पॉलीसाइक्लिक रिंग हकल्स रूल इज अप्लाइड ओनली एट पेरिफेरल साइड एज यानी सर्कमफेरेंस। इसमें कुछ अच्छे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए, तो सर ये पेरिफेरल के बाद मोनोसाइक्लिक में, चूंकि मोनोसाइक्लिक में तो ऑलरेडी पेरिफेरल ऑलरेडी है, हाँ पेरिफेरल का नाम हकल साहब ने नहीं बोला था, बाद में उनको मॉडिफाई करके ऐसा रूल बना दिया गया जो हर जगह एप्लीकेबल हो, चाहे मोनो हो या पॉली हो, हमें पेरिफेरल पर देखना है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग, जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ जैसे मिसाल के तौर पर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है जिसमें क्वेश्चन आ भी चुका है, जैसे मैं बताता हूँ आपको,
ये आपसे पूछा गया, गौर से सुनिए। ये पॉलीसाइक्लिक रिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहली गलती स्टूडेंट की होती है, वो सारे पाई को गिन लेते हैं डायरेक्टली। अगर सारे पाई को आप गिनेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इज द एंटी एरोमेटिक बट इट इज एरोमेटिक। ये नहीं कहना कि एक्सेप्शन है फलाना, ये एक्सेप्शन है नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं दूसरे अंदाज से। यहाँ देखें सारे लोग, एक्सेप्शन सिर्फ दो में है जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। यहाँ देखिए, हम पेरिफेरल को देखें, यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए सब जो साइड में आ रहा है, बताइए आ रहा है ना सब साइड में जो पाई इलेक्ट्रॉन। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यस यस सर। देखिए जो आ रहा है वही की काउंटिंग करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं आ रहा है, और वो छोड़ दीजिए, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ना भी रहता तो ये नहीं चिल्लाना है सर ये sp3 है तो नॉन एरोमेटिक। नहीं, हमें पेरिफेरल पर ही sp2 देखना है। अब इसकी ये नहीं चाहिए रहता या ना रहता, तो बताइए 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए इट इज एरोमेटिक। तो इसलिए पॉलीसाइक्लिक में अगर हकल्स रूल को डायरेक्ट लगा दिया जाता, तो इसीलिए हकल्स रूल को ऐसा बना दिया गया कि उसमें हकल साहब की बात भी रह जाए और दूसरी बात भी रह जाए। इसलिए बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि इस पॉइंट को ऐसा बोलो कि भाई सिर्फ सर्कमफेरेंस वाले पॉलीसाइक्लिक में लेना है, क्योंकि जो भी चीज अटैक करेगी वो बाहर ही अटैक करेगी, दैट द रीजन, चाहे यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन देता या ना देता। इससे ये भी साबित हुआ कि अगर मान लिया नहीं देता तो ये sp3 हो गया, तो उसको ये नहीं कह देना है कि भाई ये नॉन एरोमेटिक है। नहीं, sp3 भी देखना है तो भाई सर्कमफेरेंस पर ही देखना है। क्या डाउट क्लियर हुआ? हेलो एवरीवन। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइक्लिक में, पेरिफेरल एज। इसी में देखिए, इसको कैसे भी आप लिखिए, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि कोई कहेगा कि सर हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन में अगर ऐसे दे दूं, सब देखिए सब काउंट हो रहा है ना। देखिए ये एज पर आ गया ना, जल्दी बोलिए ना हेलो। यस सर। तो आपको दूसरे, ये बेंजीन रिंग है इसमें, तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन तो अपनी पोजीशन को चेंज करता ही रहता है, इसलिए इस पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग नहीं हुई। तो चलिए आगे बढ़ें। यस सर। ये सबको समझ में आ गया, बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, जी तो अब इसमें पॉलीसाइक्लिक है, तो इसमें तो कहीं से भी देखिए, एक दो सब साइड पड़ी है ना, दिखने में लग रहा है कि मैं सरेज पे है, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ें।
कोई डाउट तो नहीं है? हेलो एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं? ऐसा ये समझ में आया ना पेरिफेरल वाला? रोशनी सिन्हा, चलिए अब आइए। दो एक्सेप्शन खुद एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, अगर ये दे देगा तो फिर आपसे कंफ्यूजन होगा। दो एक्सेप्शन है, मैं इसलिए टॉपिक ही डाल देता हूँ, ये लास्ट में मैं करा रहा हूँ कि आपको ये दो एक्सेप्शन को माइंड में रखना है। देखिए पहला एक्सेप्शन तो ये है कि फिर इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा डाउट क्लियर करने के लिए। आपको ये बना हुआ है, देखिए दिखने में 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब sp2 है। बोलिए हाँ या ना? यस सब है। अब देखिए, लेकिन होना चाहिए इट शुड बी एरोमेटिक, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। इट शुड बी एरोमेटिक, अब क्यों है मैं बता रहा हूँ। इट शुड बी एरोमेटिक बट, ये माइंड और दिमाग और सब में दिमाग में सेट कर लीजिए, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। देखिए नॉन एरोमेटिक में होता है कि नॉन प्लेनर हो जाए, नॉन प्लेनर की पहचान दो है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, लेकिन कहीं कहीं पर रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है। देखिए ये नीचे की तरफ है तो इसमें एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि इस दोनों में रिपल्शन बहुत ज्यादा। अब रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, इसलिए कहा गया कि आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये प्लेनर नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि वाई इट इज नॉन एरोमेटिक, ड्यू टू रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू हाइड्रोजन। क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसके डाउट को क्लियर कीजिए, अगर हम इसको इस तरह बना देते, देखिए कोई कहता कि सर हम यह दो हाइड्रोजन को बांध दें, यानी रिपल्शन को कम कर दें, तो जैसे आपको ऐसे दे दे। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस यहाँ पर देखिए बॉन्ड बना दिया, अब हाइड्रोजन कम हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। बॉन्ड बन गया तो अब कार्बन पे हाइड्रोजन तो नहीं बचा ना, बोलिए। अरे यार बोल ही नहीं रहे, हेलो कार्बन की वैलेंसी 4। अब देखिए अब ये एरोमेटिक हो गया, अब फिर ये CH2 है, फिर कोई कहेगा sp3। अरे बाहर से हमें कोई मतलब है, हमको पेरिफेरल से मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो हाइड्रोजन को अगर हटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता तो देखिए क्या होता, बताइए। ये तो आउट ऑफ प्लेन है, इस वाले को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए बताइए CH2 बाहर चला गया कि नहीं, बताइए हमें पेरिफेरल ही पर मिल रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन, अरे जोर से बोलिए ना, सबको समझ में आया? यस सर। इसलिए डाउट क्लियर कीजिए, जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह बना, इसलिए क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन ऐसा हो जाता है रिपल्शन भाई के, जब इस तरह की सिचुएशन सिर्फ रहे तो कहिए कि होना चाहिए एरोमेटिक बट ये नॉन एरोमेटिक है। अब देखिए आपको जानबूझ के हाइड्रोजन को हटा दिया, बॉन्ड बना के यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिया, फिर ये एरोमेटिक हो गया। फिर आपको कोई कंफ्यूज करेगा, अरे ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन तो sp3, अरे हमें पेरिफेरल से मतलब, ये तो ऐसे भी बाहर है। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ yes, तो बोल। हाँ तो ये मसला है, तो ये एक एग्जांपल तो ये लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, दूसरा एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है वो मैं करा देता हूँ।
हाँ लिख लिया। यस सर प्लीज वेट। अच्छा प्लीज वेट, गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्पीकिंग। यस सर डन। ओके ये बना लीजिए। हाँ लिख लिया। यस सर। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी ने खुद कहा है, देखिए ये आप जब हाइड्रोकार्बन में लास्ट पेज पर जब आप क्वेश्चन होता है ना लास्ट पेज पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो उसमें ये आपको मिलेगा कि दो एग्जांपल को आपको प्रैक्टिस करके याद करना है। देखिए इसको ऐसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कहते हैं। यहाँ देखिए सब sp2 है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, जल्दी बताइए सारे लोग। 8 है, 8 एंटी एरोमेटिक है, तो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। यही आप सब पढ़ लिया और यही नहीं आपको यही एग्जांपल आ जाए तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। It should be anti-aromatic. अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, तो सारे लोग सही से आंसर दीजिएगा प्लीज। इट शुड बी एंटी एरोमेटिक बट इट इज नॉन, दोनों नॉन एरोमेटिक हो जाता है। नॉन एरोमेटिक क्यों? बिकॉज ये रिपल्शन को कम करने के, ये एंगल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए sp2 के एंगल 120 और यहाँ पर 120 है नहीं, 120 दिख भी नहीं रहा है, बिकॉज इट एक्वायर्स, ये याद रखना पड़ेगा, इट एक्वायर्स टब लाइक शेप में चला जाता है। ये एग्जामिनर आपसे स्कूल लेवल पे सिर्फ पूछेगा कि ये क्या है, तो आप बताएंगे नॉन एरोमेटिक टब लाइक शेप, अपने आप को फैलाने के लिए ये बेसिकली क्या करता है। एक मिनट, ये बेबी है ना, जो छोटे छोटे बेबी टब में नहाते हैं, इस तरह का ये हो जाता है। ये इसका एक्चुअल है, देखिए चार बॉन्ड है ना, पाई ये भी पाई, नीचे वाला भी पाई, ये भी पाई, तो वही है 1 2 3 4 5 6 तो फैल जाता है। अब सेम प्लेन में नहीं रह पाता, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाता है। सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन। तो ये एनसीईआरटी में है, अब ये अब सब पढ़ लिया यही नहीं पढ़ा तो फिर बेकार है। तो ये दो एक्सेप्शन इसलिए मैंने लास्ट में लगाया है, बाकी आपको 99.9%। हाँ एक बात और, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को, देखिए ये जो ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन 12th के सिलेबस में भी है,
अब बहुत साफ जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जानते हैं इस क्वेश्चन को, अब हम क्या, अब इसको सब कहेंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है क्योंकि टॉटोमेरिज्म आप ही के सिलेबस में है। तो बहुत सारी बातें इलेवेंथ में क्या होती हैं, शुरू में पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो टीचर को, तो वो इसलिए पूरी नॉलेज एक साथ नहीं दे पाता है। लेकिन आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में लगभग लगभग 90-95% इंफॉर्मेशन दे दिया गया। कुछ इस तरह के क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि नीट या जी का एग्जाम 11, 12 के सिलेबस पर होता है, ना कि सिर्फ 11 को होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो, यस यस सर। हाँ, तो कुछ बातें जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ते रहिएगा तो क्लियर होता रहेगा। अब ये टॉटोमेरिज्म की वजह से क्या होता है कि टॉटोमेरिज्म 11th में आइसोमेरिज्म में है, अब ये इसलिए एंटी रोमेटिक होता है, दैट द रीजन। ऐसे जितना हम लोग के सिलेबस में या नीट के सिलेबस में है या जी के, वो आपको इतना तक पढ़ा दिया गया, ये दो एक्सेप्शन को माइंड में रखिएगा। अब ये तभी प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए दोनों को अच्छे से याद रखना है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और देता हूं मैं, आप मुझे बताइएगा, अब ये आप आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, और आंसर आराम से दीजिएगा, कोई गलत नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक एरोमेटिक क्या देंगे आंसर? नो, हाँ, मैं बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है, मैं एंड में ये क्वेश्चन दिया, बहुत ही अफसोसनाक बात है। आयुषी और नोहा, आप लोग दोनों और लोग आंसर दें, ये क्यों नहीं बोल पा रही हैं? क्या नाम है, सांची, याशिका, रोशनी, दोनों आंसर दें प्लीज। याशिका, Why? ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन फुल मार्क्स करके बोलती हैं। बताइए why it is non aromatic? क्योंकि sp2 hybridization है। क्या है? sp2 hybridization है या नहीं है, क्या बोल रही हैं? सर नहीं है। हाँ, वेरी गुड, यहाँ sp3 है, तो आप उल्टा बोल दे, कहिए कि सर sp3 आ गया। सब लोग देखते, मैं 12 उस वक्त से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते, लोग ऊपर